हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है कवि गुरु एक्सप्रेस के बारे में, जो कि कामाख्या असम से राजस्थान के उदयपुर सिटी के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है कवि गुरु एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है कामाख्या जंक्शन असम से उदयपुर सिटी राजस्थान के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। हर बृहस्पतिवार को ये कामाख्या से रवाना होती है और 57 घंटे 25 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 43 स्टेशन हैं और 2611 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 50 किलोमीटर पर आवर और ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इसे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो मैं जो अभी आपको कवि गुरु एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो कामाख्या जंक्शन से उदयपुर सिटी तक का होगा। इसमें सेकंड एसी का जो किराया वो है ₹3245, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसलिए इसमें कोई सुपरफास्ट चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा थर्ड एसी का जो किराया वो है ₹2175, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, GST चार्ज जोड़ा जाता है। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये कामाख्या से उदयपुर सिटी तक का बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें स्लीपर क्लास के जो किराया है वो है ₹820। इसमें सिर्फ रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है लगभग ₹480 के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट जो रेफर कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार भी शामिल है, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कामाख्या उदयपुर सिटी कवि गुरु एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। कवि गुरु एक्सप्रेस जो है कामाख्या जंक्शन असम से हर बृहस्पतिवार को शाम के 6:30 पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और उसके तकरीबन 43 स्टेशन हैं उदयपुर सिटी राजस्थान तक। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन गोलपारा टाउन में पहुंचती है। गोलपारा टाउन में ये ट्रेन जो है रात के 8:28 पर पहुंचती है और 8:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है न्यू बंगाईगांव जंक्शन में रात के 9:40 पर पहुंचती है और 9:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। कोकराझार में ये रात के 10:09 पर पहुंचती है और 10:11 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है न्यू अलीपुर द्वार जंक्शन में रात के 11:05 पर पहुंचती है और 11:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये दलगांव स्टेशन में पहुंचती है रात के 12:45 पर और 12:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये न्यू जलपाईगुड़ी में रात के 3:50 पर पहुँचती है और 4 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। किशनगंज में ट्रेन जो है सुबह 5:04 पर पहुँचती है और 5:06 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भारसोई जंक्शन में सुबह 5:51 पर पहुँचती है और 5:53 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। उसके बाद ये कटिहार जंक्शन बिहार में सुबह 7:25 पर पहुँचती है और 7:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है। नवगछिया स्टेशन में ये 8:37 पर सुबह पहुँचती है और 2 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। खगड़िया जंक्शन में ये सुबह 9:30 पर पहुँचती है और 9:32 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद कवि गुरु एक्सप्रेस जो है वो बेगूसराय स्टेशन में सुबह 10:16 पर पहुँचती है और 10:18 पर रवाना हो जाती है। बरौनी जंक्शन में 10:50 पर पहुँचती है और 11 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कवि गुरु एक्सप्रेस जो है वो समस्तीपुर जंक्शन में दोपहर के 12:05 पर पहुँचती है और 12:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। मुजफ्फरपुर जंक्शन में ये दोपहर के 12:55 पर पहुँचती है और 1 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। हाजीपुर जंक्शन में दोपहर के 1:55 पर पहुंचती है और दोपहर के 2 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद कामाख्या उदयपुर सिटी कवि गुरु एक्सप्रेस जो है वो छपरा जंक्शन में दोपहर के 3:30 पर पहुँचती है और 15 मिनट बाद 3:15
3:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। सिवान जंक्शन में ये शाम के 4:30 पे पहुंचती है और 4:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये भटनी जंक्शन में शाम के 5:30 पे पहुंचती है और 5:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उत्तर प्रदेश के देवरिया सदर में ये ट्रेन जो है शाम के 5:53 पे पहुंचती है और 5:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में ये शाम के 7:30 पे पहुंचती है, 7:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। मनकापुर में ये ट्रेन जो है रात के 10:30 पे पहुंचती है और 10:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1336 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। अयोध्या जंक्शन में ये रात के 11:33 पे पहुंचती है और 11:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। फैजाबाद जंक्शन में ये रात के 11:56 पे पहुंचती है और 11:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। लखनऊ चारबाग में ये ट्रेन जो है रात के 2:25 पे पहुंचती है और 2:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, यहां पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल में सुबह 4:15 पे पहुंचती है और 4:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। कानपुर अनवरगंज में ये सुबह 4:42 पे पहुंचती है और 4:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कवि गुरु एक्सप्रेस जो है वो फरुखाबाद जंक्शन में सुबह 7:35 पे पहुंचती है और 7:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कवि गुरु एक्सप्रेस जो है वो कासगंज जंक्शन में सुबह 9:40 पे पहुंचती है और 9:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है और 1828 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हाथरस सिटी में सुबह 10:46 पे पहुंचती है और 10:51 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। मथुरा जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 11:55 पे पहुंचती है और 12:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन अछनेरा जंक्शन में दोपहर के 12:45 पे पहुंचती है और 1:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है और यहां पर इसका इंजन जो है रिवर्स भी होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है राजस्थान के भरतपुर जंक्शन में दोपहर के 1:34 पे पहुंचती है और 1:36 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कवि गुरु एक्सप्रेस जो है वो बांदीकुई जंक्शन में शाम के 4 बजे पहुंचती है और 4:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 2092 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। जयपुर गांधीनगर में ये ट्रेन जो है शाम के 5:42 पे पहुंचती है और 5:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जयपुर जंक्शन में पहुंचती है शाम के 6:15 पे और 6:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। अजमेर जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 9:40 पे पहुंचती है और 9:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भीलवाड़ा स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:50 पे और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। चंदेरिया स्टेशन में रात के 1:20 पे पहुंचती है और 1:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मावली जंक्शन में रात के 3 बजे पहुंचती है और 3:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कवि गुरु एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन राणा प्रताप नगर राजस्थान में सुबह 3:33 पे पहुंचती है और 3:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कामाख्या उदयपुर सिटी कवि गुरु एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन उदयपुर सिटी में पहुंचती है सुबह 3:55 पे और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। कामाख्या से उदयपुर सिटी तक की जो ये कवि गुरु एक्सप्रेस जो है 2611 किलोमीटर की जर्नी जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ कवि गुरु एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन या किसी फेवरेट ट्रेन रूट पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस सभी कमेंट्स को जरूर पढ़ता हूं। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन को साथ में जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन दबा के आप जो ऑप्शंस आएंगे उसमें ऑल पे जाके क्लिक करें और आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी।
धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।